हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके परीक्षाओं से रिलेटेड, आपके कॉपियों से रिलेटेड, साथ ही आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो भी स्नातक की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है और 27 मई से जो आपकी कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ हैं वो चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रशिक्षु कहीं ना कहीं रीजन ये भी मानते हैं कि बैक लगने का हमारा यही कारण है ना। अब देखिए रीजन क्या है, अगर आप अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि जब भी कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं फ्रेंड्स, इस बीच कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इस पर बेहद ध्यान देना चाहिए। हालाँकि इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए और गोपनीयता भी आपने देखा होगा, अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, क्योंकि इस बार एक गोपनीयता भी रखी गई है, क्योंकि पिछली बार की तरह गलती इस बार नहीं दोहराना चाहते कि दोबारा से कॉपियों को जांचना पड़े। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ डायरेक्टली बात करें तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके कॉलेज के थ्रू, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम जो भी बोलते हैं बिल्कुल रियलिटी के साथ, और बैक लगने पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप सभी को अभी आप सभी देखिए इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, कहा जा रहा है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता है कि किस डेट पे कौन सी कॉपी चेक हो रही है, ये सब कुछ गोपनीय रखा गया है। फिर भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कहिए कि कह रहे हैं कि अगर आपको पास होना है तो आप हमें पैसा दीजिए, हम इस डायट से हैं, इस डायट की कॉपियाँ यहाँ चेक हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, हम आपको नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आप हमसे बात कर लीजिए। और जो भी मतलब अब नंबर बढ़वाने के भी तो फी लगेंगे ही, तो सिंपल हम यहाँ ये कहें, आपको ये झांसा दिया जा रहा है कि हम इस डायट से हैं, अगर आपको अपना नंबर बढ़वाना है तो क्या करना है, आपको हमें पैसा पे करना होगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, डायरेक्टली अगर हम ये बोले तो। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप ऐसी अगर कोई भी आपके साथ ऐसे मैसेज, मतलब अगर हम देखें तो टेलीग्राम पर कुछ मैसेज ऐसे पड़े हुए थे, तो वीडियो बनाना ज़रूरी था फ्रेंड्स। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। अब देखिए, यहाँ एक और बात हो जाती है कि अगर किसी प्रशिक्षु का बैग लग जाता है, और ये बिल्कुल रियलिटी है, आई होप कि आपने ये फेस किया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और क्या होता है, संस्थानों की तरफ से देखिए यहाँ रिस्क लिया जा रहा है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, तभी कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ ये अन्याय किया जा रहा है ये रोका जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, स्क्रूटनी फॉर्म भी आ जाता है, स्क्रूटनी फॉर्म का आपका 100 रुपया लगता है एक पेपर का, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे संस्थान वाले होते हैं, खासकर अगर बात किया जाए प्राइवेट संस्थान से रिलेटेड, तो कहते हैं कि अगर आपका बैग लगा है तो आप हमें जो है थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, अगर आपको 2-3-4 नंबर कम है तो। और ऐसे मामले सामने आए हैं। अब देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षु सोचते हैं कि पेपर देने से अच्छा है 7-10 हज़ार रुपये दे देते हैं और हमारा क्या होगा, हमारा नंबर बढ़ जाएगा, फिर से हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और हम पास भी हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में ये होता है फ्रेंड्स कि आप पैसा भी दे देते हैं और जब आप अपना स्क्रूटनी रिजल्ट का स्कोर देखते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला रहता है, यानी कि जो आप डर रहे थे कि फिर से मतलब आपको मतलब चांसेस बढ़ जाता है कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा, हमने पैसा दिया है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आप अपने संस्थान से पैसा मांगने जाएंगे और फिर आप खुद समझदार हैं, बाकी आप समझ सकते हो। तो इन चक्करों में आप सभी मत पड़िएगा, इसीलिए आप सभी को ये वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ 4 सेमेस्टर कंप्लीट करना है और कभी ना कभी किसी भी सेमेस्टर में ये सब कुछ फेस करना पड़ सकता है, तो पहले से ही आप सभी अलर्ट रहिएगा। बैक लगता है तो लगने दीजिए फ्रेंड्स, बैक पेपर को बैक पेपर की तरह लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, आई होप कि आप सभी इसे एग्री करते होंगे, अगर करते हैं, अगर आपको भी कुछ पता है ऐसी कुछ बातें तो आप नीचे कमेंट्स, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, वो चाहे किसी भी कोई भी किया हो सकता है संस्थान या फिर कोई भी लोग,
है ना, बाकी तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी बाकी। अब देखिए अगर आप यहाँ सिंपली बात करें डायरेक्ट आपके रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो कॉपियों की जो जांचने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी द्वारा ये बताया गया कि आपके जो कॉपियों के रिजल्ट की बात ही कर बात करें तो फ्रेंड्स 15 जून के आसपास, हालांकि अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स कोई भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी की बात अभी तक, मतलब ये नहीं है कि जो डेट दिया गया है उस पर भी मतलब वो आ ही जाएगा, हो सकता है ये डेट और भी आगे बढ़े। और उम्मीद यही है कि चारों सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो इस मंथ के लास्ट तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर, देन थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, देन फर्स्ट सेमेस्टर की प्रक्रियाएं यहाँ की जा रही हैं, ठीक है। बाकी आई होप कि अब हमें नहीं लगता कि कोई भी डाउट है। और रही बात आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का जो भी परीक्षा कब तक होगा, तो फ्रेंड्स आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है, खासकर DLED 2019 बैच की बात करें, तो फ्रेंड्स मतलब जल्दी से जल्दी फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम कराने के लिए प्रेशर दिया जाएगा ताकि आप सभी का सेमेस्टर कंप्लीट हो सके। अपने यूपी में नहीं तो कम से कम अदर स्टेट में हम नए शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो सके, है ना फ्रेंड्स। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पे दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी आप सभी को क्लासेस मिलने वाला है, इसको लेकर आप बेफिक्र रहें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।